जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं हूं प्रिंस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फिजिकल की डेट के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है 15 अप्रैल को दोस्तों अनाउंस किया गया था कि आप सभी के जो फिजिकल हैं वो शुरू हो जाएंगे। और आज दोस्तों 15 अप्रैल ही है, लेकिन आज दोस्तों आप सभी के जो फिजिकल हैं वो शुरू नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि भाई साहब, आप सभी की जो फिजिकल की डेट है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, यानी अब 15 अप्रैल से आप सभी की जो फिजिकल हैं वो नहीं कराए जाएंगे। अब यहाँ पर जो एक नया नोटिस वायरल किया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि आप सभी के जो फिजिकल हैं वो 24 अप्रैल से कराए जाएंगे, लेकिन वो जो नोटिस है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वो जो नोटिस है वो फेक है, यानी अभी तक जो नोटिस वेबसाइट पर नहीं आया है, जो वायरल किया जा रहा है उसको फेक बताया जा रहा है। तो अब वो जो नोटिस है वो दोस्तों 100% की ओर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई जब 15 अप्रैल से फिजिकल ही नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि वो जो नोटिस है रियल भी हो सकता है। लेकिन ऑथेंटिक जानकारी यही है कि अभी दोस्तों पूरी तरह वो भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर 24 अप्रैल से भी फिजिकल हो सकते हैं आपके, तो अब तक एडमिट कार्ड भी आ जाने चाहिए थे, लेकिन एडमिट कार्ड का कोई भी अभी अपडेट नहीं आया है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों आपसे कि 24 तारीख भी जो डेट है वो पूरी तरह फिक्स नहीं है। अब बच्चों के सवाल ये आना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई साहब, यहाँ पर चलिए अगर हम मान लेते हैं कि आपके जो फिजिकल हैं वो 24 अप्रैल से हैं, तो एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आते हैं? तो एडमिट कार्ड का आप सभी को पता है, पिछली बार 2021 के अंदर भी 7 या 8 दिन पहले आप सभी के एडमिट कार्ड आते थे, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड का कोई भी अपडेट नहीं आया है और ना ही फिजिकल की डेट का कोई भी अपडेट है। वो जो डेट थी उसमें बताया जा रहा था कि 16 तारीख को, यानी 16 अप्रैल को वो जो नोटिस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगा। अब कल 16 तारीख है, देखते हैं कल वो नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जो 13,000 स्टूडेंट जो लिस्ट आई थी, लिस्ट 3, क्या वो फेल है स्टूडेंट? तो मैंने कल वीडियो बनाया था, आप सभी को पता है, तो उसमें दोस्तों बात यही है कि 100% उसका भी अभी प्रूफ नहीं है। हो भी सकता है दोस्तों फेल हो जाएं और नहीं भी, क्योंकि अभी जब तक PAT के एडमिट कार्ड उनके नहीं आते हैं तो तब तक दोस्तों ये कहना पूरी तरह 100% श्योर नहीं होगा कि वो दोस्तों फेल हैं या वो पास हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर 24 अप्रैल से फिजिकल की डेट स्टार्ट होती है तो एडमिट कार्ड तो आज या कल में आ जाने चाहिए, क्योंकि 15 या 16 में एडमिट कार्ड अगर आ जाते हैं तो हम मानेंगे कि 24 अप्रैल से फिजिकल शुरू हो सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों जो आप सभी का जो नोटिस है 24 अप्रैल वाला, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि क्या डेट अभी और भी आगे बढ़ सकती है? तो जी हाँ, अभी जो डेट है वो और भी आगे जा सकती है। 24 अप्रैल ही दोस्तों कोई फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि जो नोटिस है वो पूरी तरह 100% श्योर भी नहीं है, क्योंकि ना ही दोस्तों ये जो नोटिस है CRPA की वेबसाइट पर है और ना ही SSC.NIC.IN की वेबसाइट पर है। तो अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा, बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि हम जो है अपने स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन जो नंबर है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो 27 अप्रैल को दोस्तों ऑफिशियल साइट पर ये सारी चीज़ें जो है अपलोड कर दी जाएंगी, और 27 तारीख को आप अपने जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर सकते हो। आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम का पासवर्ड आपके बीच में होना चाहिए, तो ही आप उसे कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना है और पासवर्ड फिलअप करना है, तो आप वहां से अपना इस व्यू स्कोर कार्ड में जाके अपना चेक कर सकते हो 27 तारीख को ही। बहुत सारे बच्चे इसलिए फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको नहीं लगता है कि भाई साहब मेरे जो नंबर हैं वो इंक्रीज हुए होंगे, तो इसलिए आप सभी को अभी 27 तारीख का वेट करना है। 27 तारीख को जो है पूरा श्योर हो जाएगा कि कितने किस स्टूडेंट के कितने परसेंट नंबर हैं वो इंक्रीज किए गए हैं, यानी आपके 2 नंबर इंक्रीज हुए हैं, 5 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर, वो सारा कुछ दोस्तों फिक्स तभी हो पाएगा जब 27 तारीख को आप सभी के स्कोर कार्ड शो हो जाएंगे। तो मेरा मानना तो दोस्तों यही है, अगर 24 तारीख से आप सभी के फिजिकल होते हैं तो आपके एडमिट कार्ड दोस्तों यहां पर जारी हो जाएंगे 1-2 दिनों के अंदर ही। अगर नहीं होते हैं तो फिर 24 तारीख का जो फिजिकल है, जो जिसमें डेट बताई गई है, वो भी पोस्टपोन्ड हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी की समझ में आ गया होगा, अगर 24 तारीख को फिजिकल होते हैं तो कल 16 तारीख को जो है ऑफिशियल साइट पर नोटिस अपलोड कर दिया जाएगा। अगर 24 तारीख को फिजिकल नहीं होते हैं तो एक और डेट जो है वो आप सभी के सामने अनाउंस कर दी जाएगी कब से फिजिकल होते हैं। लेकिन आपको फिजिकल की तैयारी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, फिजिकल को दोस्तों कंटिन्यू करना है और लगातार दोस्तों आप सभी को जो है फिजिकल की तैयारी के लिए
ग्राउंड पर जाना ही पड़ेगा। जिसके एक नंबर भी एक्स्ट्रा है मैं उसको भी बोलूंगा कि आप भी फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिए, क्या पता नॉर्मलाइजेशन में आपको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए और आपका फाइनल तक भी सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।